चला क्लास में पुलिस कहां तक पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम करा समान लगाते के जो इसके बाद बात होती कहता है रेस्ट एंड मोशन ये पढ़े थे बाबू ना अरे पढ़े रहते ना मुझे रेस्ट किसे कर क्या बोलो बताओ ए मैं आपसे ये पूछते कि विराम किसे कर क्या कहोगे उसे देखो जब किसी प्रेक्षक को वस्तु के प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु समय के साथ बदल या परिवर्तित न हो तो उसे वो वस्तु प्रेक्षक के लिए क्या कहलाएगी बाबू विराम में कहलाएगी क्या कहलाएगी बाबू विराम में कहलाएगी क्या बताए तो ना ए जब वो समय पड़ रहा है वस्तु वाले के जगह तो फिक्स है तो वस्तु विराम पे है कि नहीं बोलो तो इसका उल्टा कर देगा बाबू जैसे मोशन क्या जाएगा मोशन समय के साथ बदल रही होगी तो आप मोशन में कहलाएगी तो सेम टू सेम बाबू लिखो खाली तो जहाँ परिवर्तित लिखे ना परिवर्तित जहाँ बाबू का लिखे ना हो बस वहाँ परिवर्तित लिख रहे बस यहाँ पे बाबू मोशन का परिभाषा हो जाएगा समझ आया ना जब किसी प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो तो वह वस्तु प्रेक्षक के लिए गति में कहलाएगी ठीक है ना गति में कहलाएगी बस इधर तो लगा देना है ना हटा के यहाँ पे गति लगा देना है क्लियर ना हटा के यहाँ पे गति लगा देना है ठीक है बाबू इसके बाद इसमें अगला टॉपिक जो बनता है वो बनता है दूरी और विस्थापन का दूरी और विस्थापन अरे मोशन लिख दो ना मोशन लिख लोगे बस मोशन तुम्हें क्या करना है सेम टू सेम परिभाषा रहेगा बस अपना को हटा देना है भैया क्या लिख देंगे गति लिख देंगे बस ठीक है चलो आप देखो बाबू अगला हेडिंग बनाओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो भाई ये क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखो ध्यान को देखो बाबू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं बाबू दूरी इसको बाबू क्या बोलते हैं दूरी इसको बोलते हैं विस्थापन इसको एस से लिखते हैं इसको टी से लिखते हैं ठीक है ना इसको विस्थापन किससे लिखते हैं एस से और इसको बाबू क्या करते हैं टी से लिखते हैं अब आपको पूछेगा कि डिस्टेंस किसे कहते हैं बताओ और डिस्प्लेसमेंट बाबू क्या होता है बोल सकते हो जो बाबू डिस्प्ले डिस्टेंस जो तुम्हारा होता है ये बाबू कुल दूरियों का योग होता है उस कुल लंबाइयों का बाबू क्या होता है योग होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट बाबू क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं बाबू विस्थापन और ये बाबू तुम्हारा क्या हो गया हाँ लंबाइयों का योग जैसे बाबू हम कहेंगे क्वेश्चन देखो यहाँ पे बाबू तुम्हारा यहाँ पे ऐसे लिख दिया हम लिख दिया ना और तुम्हारा बाबू ऐसे लिख दिए देखिए बाबू ये तुम्हारा 6 मीटर है ये तुम्हारा 8 मीटर है बताओ दूरी कितना होगा दूरी बाबू कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ बोलो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 10 दूरी बाबू कितना हो जाएगा तो दूरी वाले क्या बोले सभी लंबाइयों का योग देखो ये ए है ये तुम्हारा बी है ये तुम्हारा सी है कि नहीं बोलो सभी बिंदुओं का लंबाई का योग बोले है
दूरी मतलब क्या होता है सभी का योग, और ये छ हो जाएगा। अब फिर यहाँ से क्या गए बाबू, पहले कोई आदमी ऐसे गया है तो बाबू छह मीटर चला है, फिर यहाँ से आते बाबू आठ गया है, छह प्लस आठ 14 मीटर भी चला है, बोलो नहीं चला है। फिर देखो यहाँ पे देखो तो हो गया। एक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। बाबू मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, उसको यहाँ से यहाँ आना है, बाबू ऐसे घूम के आएगा, जब बोला प्रैक्टिस चले जाते हैं ऐसे, बोलो प्रैक्टिस चले जाते हैं, बोलो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं बाबू, विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो बाबू विस्थापन का मतलब हो गया वो छह है ये आठ है, तो बाबू परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बनाने के बारे में बोलो, इसको बाबू कर्ण कहते हैं, लंब आधार नहीं हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, छह का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर सो हो जाएगा बाबू, सो हो जाएगा बोलो 10 मीटर। तो बाबू यहाँ पे क्या गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 10 आया, दूरी हुआ कितना आया था 6 आया, ठीक है ना बाबू। अब देखो देखते रहो बाबू दूरी 14 और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 आया। आप देखो मेरा बात ये समझो बाबू, कोई आदमी बाबू वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, ठीक है। आप देखो बाबू भाई जो इसका त्रिज्या ना 7 मीटर का है, गुणा कर लिया फायदा होगा है ना। किसी और व्यक्ति को बाबू दूरी कितना दिया है, तो त्रिज्या कितना दिया है 7। अरे बाबू ऐसे जैसे दौड़ रहा है, इसमें खूब दौड़ रहा है, खूब दौड़ रहा है। अब ये मान लेते हैं बाबू एक चक्कर बाबू दौड़ा ही, एक चक्कर दौड़ा, इसका दूरी हुआ कितना होगा बताओ, बताओ एक चक्कर दौड़ा है, ये एक चक्कर दौड़ा है, दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, दूरी होगा 2π r, दूरी क्या होगा इसका, अब यहाँ से लेके एक चक्कर पूरा किया है, दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन जीरो, दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, बोलो जल्दी से, विस्थापन। कोई व्यक्ति यहाँ चला है, यहाँ चला है बाबू, बोलो बाबू एक चक्कर पूरा करने को बाबू क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, जो एक चक्कर पूरा करेंगे परिधि कहलाएगा, दूरी कितना हो गया तुम्हारा एक परिधि बाबू, मारे मारे तो रहेगा ना जी, यहाँ तक आए बाबू दूरी कितना देखिए है एक परिधि, और डी बराबर देखो क्या हो जाएगा 2×5 = 7, आर हुआ कितना तुम्हारा 44 मीटर हो जाएगा बोलो। और तुमको अभी बताए थे, तुमको अभी बताए थे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जहाँ से बाबू शुरू किए थे बाबू यहाँ पे आके तू रुक गया, अटक गया यहाँ पे, अटक गया यहीं पे, जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे बाबू आगे, तो क्या बीच में थोड़ा भी गैप है, दूरी तय किए हो नहीं, जिसका वो अगले अगले खेला है तुमको मालूम, मांगे चलो कि जाना है मस्जिद के पास, बड़ी मस्जिद के पास जाना है, फिजिक्स करता है इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे में कहा गया मैं तो बाबू जाएंगे ऐसे 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 जैसे रास्ता ऐसे जाएंगे, लेकिन फिजिक्स कहता है कि बीच में बाबू देखो तुमको अरे मस्जिद के पास जाना है, कितना घूम के नहीं जाना तुमको, दीवार में घुस जो सीधे घुस के निकल जो बाहर, है कि नहीं है, शॉर्टकट जाओ शॉर्टकट, सब हमको यहाँ पे जाना है ना बाहर में, ये कार के पास नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दीवार तोड़ के भागना पड़ेगा, इसे तुरंत पहुंचो, अरे शॉर्टकट रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो विस्थापन का मतलब बाबू क्या होता है, शॉर्टकट, विस्थापन का मतलब शॉर्टकट। तो बाबू देखो तो बाबू हमको यहाँ यहाँ पे जाना था, आज घूम के बाबू फिर यहीं पे आ गए, तो दूरी तय कर रहे हैं बाबू, बताओ विस्थापन बाबू क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे बाबू बोलो कोई व्यक्ति बाबू देखो ये गोला सर्कल है, ये गोला सर्कल है, ये सर्कल पर है, इसका त्रिज्या बाबू दिया है 7, कितना दिया बाबू 7 दिया है, कोई व्यक्ति बाबू क्या कहना यहाँ दौड़ के ऐसे दौड़ा था और यही पाके बाबू रुक गया, यहाँ पे जाना था उसको, यहाँ पे जाना था इसको, यहाँ पे जाना था, थोड़ा दूरी कितना हो जाएगा बोलो, दूरी हुआ कितना जाएगा बताओ, दूरी कितना हो जाएगा और विस्थापन कितना जाएगा बोलो, दूरी कितना हो जाएगा विस्थापन कितना जाएगा बोलो, दूरी कितना विस्थापन कितना,
पूरी बाईस जो बाबू कि बाबू यहाँ पे आ गया है तो बाबू हम कह सकते हैं कि आधा परिचित हो रहा है आधा परिचित हो रहा है बाबू आधा परिचित का पूरा का मतलब क्या है टू पाई आर आधा का मतलब दो से लगा दीजिए तो देखो बाईस युवा बाईस बटा में सात अब गुने बाबू आर का मान कितना दिया है सात दिया है ना तो बाबू कितना तुम्हारा ये सात से बाईस हो जाएगा बोलो अब विस्थापन हुआ कितना हो जाएगा तो ये तुम्हारा ब्यास है कि नहीं बोलो अरे तुम्हारा ब्यास है ना जिससे पूछेगा ये बताएगा सुना सबको है तुम्हारी घर पे गया शाम को तुम्हारी मम्मी बोली कि बेटा आटा का बोरा लाना है तो बोला कि यार बड़ी भारी काम है तो वो मम्मी बोली कि जाओ बाइक ले लो तो बोला कि यार मजा आ गया तो बाइक से चली जाएंगे ठीक है मम्मी बोला कि 50 रुपया और ले लो समोसा भी खा लेना बोला आ तो आप बन बना करके तो हो गया तुम बाबू गया गाड़ी निकाला निकल पड़ा कहाँ आटा के बोरी लेने के लिए तुम आटा ले भी लिया गाड़ी पर रख भी लिया फिर बाबू घर आया तुम्हारी मम्मी बोला बोल बोल कितना दूरी तय किया है बोला कि 5 किलोमीटर गए हैं 5 किलोमीटर आए हैं 10 किलोमीटर में भी दूरी तय किए हैं तो बता अभी तो फिजिक्स के बाबू बढ़िया जानकार कितना विस्थापन तय किया है कितना विस्थापन तय किया है बाबू जहां से गया था फिर वहीं पे आ गया घर में घुस गया तुम जहां से शुरू किया था फिर वहीं पे आ गया तो फिजिक्स कहता है जहां से तुम शुरू किया था वहीं पे आ जाए तो कुछ दूरी तय नहीं किया है बताओ इतना कुछ जैसे हाफते हुए आए हो है कि नहीं है इतना बड़ा काम कि हो बोरा उठा के गाड़ी पे रखे हो पसीना छिड़काए हो जैसे अब बोलता है फिजिक्स काम नहीं किए हो तो अभी बाबू गलत बात है कि नहीं बताओ है कि नहीं है फिजिक्स में वो मैथ का कोई लॉजिक नहीं चलता है फिजिक्स बाबू हीरो है ना फिजिक्स क्या है हीरो किसी के साथ में नहीं झुकता है पुष्पा है पुष्पा है कि नहीं देखो आप समझा गए बाबू अरे जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पहुंच जाएंगे तो आप क्या जाएगा जीरो हो जाएगा बताओ दूरी बाबू कभी जीरो हो सकता है नहीं दूरी बाबू यहाँ पर खड़े हैं तो अभी विराम अवस्था में रहे अब यहाँ से यहाँ बाबू चले गए तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय की है ना बोलो बाबू अरे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए बाबू दूरी कुछ तय की है ना अरे दूरी तय की नहीं क्या बोलो दूरी तय की है कि नहीं क्या बोलो दूरी बाबू कभी जीरो हो सकता है विस्थापन कब जहाँ से बाबू गए तो वहीं पहुंच जाएंगे तो विस्थापन जीरो हो सकता है क्या विस्थापन निगेटिव हो सकता है दूरी निगेटिव हो सकता है दूरी निगेटिव नहीं हो सकता दूरी बाबू निगेटिव कभी नहीं होगा विस्थापन निगेटिव होता है देखो कैसे अब बता दे तुमको बाबू तुमको पूछा था पूछा सुनते हो बाबू लड़का लड़का देखो बाबू यहाँ पे देखो बाबू जाना बाबू यहाँ पे है उस बाबू दिमाग लगाया कि ऐसे रास्ता है ऐसे चले जाते हैं यहाँ पुल है पुल पार करेंगे फिर बाबू यहाँ पे हम भुजिया से मिल लेंगे है ना इधर बाबू बीच में समुद्र है समुद्र पानी है नदी है बाबू नदी मान लेते हैं पानी बह रहा है ना जाना नहीं है वो नदी के पार है जिया बेकरार है कि नहीं है मिलने को बेकरार है ना आ जा तो बोला कि हम पागल थोड़ी है तो ऐसे मिलेंगे नदी में बाहर आए हम दूसरे के मर जाएंगे तब है कि नहीं तो मिलेंगे थोड़ी ना दिमाग लगाए बाबू यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर क्या है पुल है तो बाबू ये यहाँ से गया तो मान लेते बाबू 80 मीटर दूरी तय किया है यहाँ देखो यहाँ से बाबू दूरी और इसके बीच में दूरी जो है ना कितना है बाबू 80 है और जो अभी यहाँ से यहाँ तक दूरी है ना वो है तुम्हारा 100 मीटर ठीक है ना बाबू सुनो तो चीजों को सीखो ठीक है अभी बच्चा क्या किया बाबू लड़का क्या किया यहाँ से यहाँ पे गया यहाँ से बाबू मिला मतलब यहाँ पे पुल था वो पुल पे चढ़ गया ऐसे बाबू तुम्हारा क्या हो गया यहाँ बाबू आ गया मिल गया बाबू तो
इसका दिशा था ऐसा, अरे दिशा था बाबू कहा ईस्ट पे, घूमना कहाँ पड़े हो, कहा चला गया बाबू, वेस्ट पे गया कि नहीं आया बोलो, मिलने के लिए उसको वेस्ट आना पड़ा है, दिशा चेंज हुआ कि नहीं बोलो, दिशा बाबू चेंज हो गया ना, इसका मतलब उल्टा चला है, बचने के लिए बोला नहीं तू तो मिलना था तो पानी में कूद निकल जाता है, कहा घूम के गया तू, वो घूम के निकलना चाहिए था, प्लीज कहता जल्दी से पहुंचो बाबू, यहाँ से बाबू मानेंगे तो उल्टा दिशा के लिए बोलो पचासी सौ 185 मीटर बाद दूरी देखी है मिलने के लिए, ये फिजिक्स के हिसाब से चलते हैं बाबू, तो ए मैंने यहाँ से यहाँ चला था पूछ जाता सीधे तुमको चट्टे पहुँच जाता, तो यहाँ से यहाँ तक 100 बाबू दूरी है कि नहीं है बोलो, यहाँ से बाबू 80 है कि नहीं है, 80 बाबू कैंसिल हो जाएगा कि हो जाएगा बोलो, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा इतना तक, कितना बचेगा बाबू 20 नंबर बचेगा, अरे 20 नंबर बाबू निगेटिव देना था उसको, है ना उल्टा हो दिशा उल्टा हो गया बाबू निगेटिव हो जाए, तो बाबू यहाँ से हमको 3 को पास देखेंगे, यहाँ से हमको 3 को बात सीख लेते, दूरी हमेशा पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, दूरी हमेशा बाबू क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, बाबू हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या डी एस के बराबर होगा और दूरी विस्थापन के बराबर होगा, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, सोच के बोलो, देख के बोलो, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, अरे बोलो ना हंस के बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठोक के बोलो, हो सकता है, नहीं से हो जाएगा, देखो बाबू देखो, दूरी और विस्थापन कभी भी बराबर नहीं होता है, लेकिन एक केस में बाबू हो जाता है, मान लो कि बाबू ये रास्ता है यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो बाबू ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे है कि नहीं, यहाँ तक बाबू पहुंचे, तो अब जो रास्ता लॉन्ग कट है वही शॉर्ट कट भी तो है, मतलब ये पुल है हमको यहाँ से यहाँ तक दोस्त के पास जाने से बाबू मान चलो कि लड़का के पास जाना है, तो बाबू यहाँ पे बाबू 50 मीटर दूरी पर है, तो बाबू हम रास्ता बाबू यही है, तो बाबू ऐसे चल जाएंगे सीधे है कि नहीं, बीच में बाबू पानी नहीं है तो नहीं जाएंगे, तो बाबू को सीधे इसके पास पहुँच गए है कि नहीं, तो शॉर्ट कट भी बाबू यही होगा और लॉन्ग कट भी बाबू यही होगा, तो एक विशेष स्थिति में बराबर बाबू हो सकता है, देखो बाबू ऐसे बात डी हमेशा बड़ा ही होता है विस्थापन से, डी हमेशा बड़ा ही होता है, लेकिन कभो कभो बराबर हो सकता है, तो कभो कभो का सही बाबू ऐसा होगा है ना, इसका मतलब होता है कभो कभो है कि नहीं है, मतलब कभी कभी बाबू क्या हो सकता है बराबर भी हो सकता है, ठीक है स्पेशल केस है ना, कब बाबू जब लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों एक जैसा हो तो बाबू कभी कभी बराबर भी हो सकता है, बाबू देखो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड क्या अब की बार आरपीआ पेटी किसी पार चढ़ा लो वर्दी कर लो शादी हमको तो एक एप्पल गिफ्ट दे बस हो गया एक डिजिटल खरीद ला एसी हम लगा ले
ए बतिया रहा है रे, पढ़ो यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बन जाता है, डिस्टेंस कब हो गया? अरे कहाँ लिख ले, तो लिख लेना पड़ेगा। आप कहाँ हिंदी लिख रहे हो? अगर बाबू पहला बात देखो, पहला बात अगर बाबू खो 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 के पढ़ो, पहला बात वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सभी लंबाइयों का योग को बाबू क्या कहते हैं हम लोग, सभी लंबाइयों के योग को डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर क्लियर बाबू? जैसे पहला बात वो क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है बाबू? पहला बात। दूसरा बाबू देखो, डिस्टेंस हमेशा बाबू क्या होता है, अलवेज पॉजिटिव, अलवेज पॉजिटिव होता है ये बाबू, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अलवेज पॉजिटिव का मतलब बाबू क्या होगा, जीरो भी नहीं होगा, अलवेज पॉजिटिव है ना। तो हमारा डिस्टेंस बाबू क्या होता है, अलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरा बाबू क्या, दूसरा देखो, दूसरा बाबू क्या हो जाएगा, दूसरा बाबू क्या जाएगा बताओ। हाँ देखो, ये बाबू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा विस्थापन, इसको एस से लिखते ध्यान रखना, तो आप आगे जो पढ़ेंगे तो उसका सबका काम पड़ेगा। न्यूटन के फॉर्मूला बताएंगे, गति के नियम बताएंगे, सारी चीजें तो बाबू आएंगे ना, सारी चीज मिलते जुलते आएंगे। ये टॉपिक बाबू तुम्हारे लिए वरदान है, ये सीख गया चलो फिजिक्स तुमको पूरा समझ में आने लगे, ये ध्यान से पढ़ो उसको, मतलब मोस्टली चैप्टर में बाबू ये सब है। दूसरा बाबू क्या लगेगा तुम्हारा, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है बाबू, बाबू एंड जीरो भी हो सकता है, लेकिन बाबू तो विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। पॉजिटिव बाबू कब होगा, जब सेम दिशा में रहेगा तब। नेगेटिव बाबू कब होगा, अपोजिट में रहेगा। जीरो बाबू कब हो जाएगा, जब बाबू दौड़ के गए सेम बिंदु पे आगे, तो बाबू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें आया, इसमें आया कि नहीं बोलो। अब आप तीसरा देखो बाबू, ये तुम्हारा बाबू कैसा क्वांटिटी है, राशि क्या है, अधिश है कि सदिश है? इस टाइम बाबू क्या है, अधिश है। बाबू क्या है तुम्हारा, अधिश। अब अधिश सदिश बाबू तुमको पढ़ाएंगे, एक चैप्टर पढ़ाएंगे तुमको, अधिश और सदिश। बाबू क्या होगा तुम्हारा, अधिश। तीसरा बाबू की क्या है, तीसरे बाबू क्या है, सदिश है। इसमें दिशा होता है बाबू, सदिश हो जाएगा। स्थापन बाबू क्या है, सदिश राशि है। अधिश बाबू क्या है, दूरी क्या है बाबू, अधिश राशि है। ध्यान रखो, अधिश माने नौ दिशा, हिंदी बाबू जानते हैं का मतलब क्या होता है, नौ, नौ दिशा। तो ये तुम्हारा क्या है, अधिश राशि है, ये तुम्हारा बाबू सदिश राशि है। चौथा बात देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तय करने के, इसको तय करने के अनंत तरीके हो सकते हैं, अनंत तरीके हो सकते हैं, इसको तय करने के बाबू अनंत तरीके हो सकते हैं। इसमें ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया, छोड़ दो, नहीं समझ लो डी कुछ दे, ठीक है आप समझ में आ गया ना, बोले लिखने में समझ में आ जाता है। इसे तय करने के अनंत तरीके हो सकते हैं, इसके सिर्फ एक तरीके बाबू का, अरे तुमको एक चीज बताया जाएगा तो काहे परेशान हो रहा है, इसके सिर्फ एक तरीके, इसके एक सिर्फ एक तरीके होते हैं, इसको तय करने के बाबू सिर्फ एक तरीके। इसका बाद तो ऐसा पूछेगा तो फिजिक्स में ध्यान रखना, दूरी का ऐसा बाबू क्या होता है, मीटर होता है, कहते बाबू मीटर, तो पूछेगा दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है, क्या बोलोगे, मीटर, किलोमीटर कोई नहीं बोलेगा, फिजिक्स बाबू मीटर, फिजिक्स में मीटर। इसका भी बाबू क्या होता है, इसका भी बाबू मीटर ही होता है, इसका भी बाबू क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। आप देखो बाबू क्या है, चलो यही बात हो गया, पांच रुपए आप सीखो, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, थोड़ा सा क्लियर है, थोड़ा सा नहीं क्लियर है, इसका एक तो भी पढ़ाएंगे, इसके बाद डायरेक्टर तो फोन में आ जाएगा, ठीक है, किसी में पढ़ाएंगे, ये नहीं क्लियर, ये नहीं क्लियर, अब देखो
इसका इसको तय करने का तरीके देखो, मान लीजिए चलो कि हमको यहाँ से और यहाँ तक जाना है, तो मेरा मन है यहाँ से जाना है, रास्ता वो खाली है, मान चलो कि कोई फील्ड में है, हम बड़ा सा फील्ड है, उस बाबू हम खड़े हैं, एक आदमी एक जन बाबू मेरे सामने में इस कोने पे खड़े हैं, है ना, मैंने हम पूरा में है तो पश्चिम में खड़े हैं, तो मेरा मन होगा ना तो पहले चलेंगे अमेरिका, अमेरिका से घूम के फिर यहाँ पे आ जाए, नहीं आ सकते बाबू, तुमको बाबू यहाँ पे हो ना हम सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा मन है ना वैसे नहीं जाएंगे, तो वैसे जा सकते, नहीं सकते बोले यहाँ से घूम के आ जाएंगे, मेरे बाबू को तो रास्ता तय करना है यहाँ पे जाना है, मेरा मन हुआ कि लंदन घुमाते हैं, है ना, जाना भी था बाबू लंदन से, बाबू घूम के आगे मिल गए बाबू यहाँ से, मन हुआ लंदन नहीं अच्छा शहर है, कभी स्विट्जरलैंड जाते हैं, अरे बाबू आ सकते हैं यहाँ पे बोलो, नहीं आ सकते बाबू, मन हुआ कि पाकिस्तान कहीं घूम लेते हैं बगले में कहीं, अल्लाह पाकिस्तान देख लेते कैसे, तो पाकिस्तान चले गए बाबू पहले से, जाना हमको यहाँ पे है, बोले ना पहले पाकिस्तान घूम ही लेंगे आज हम, बोले पाकिस्तान गए ऐसे घूम के, अब चीन चला गया, चीन में कहीं ठीक ठाक रहता है, ऐसा हो गया चीन, अभी बाबू यहाँ पे आगे किन आगे बोलो, तो बाबू हम यहाँ पे जाने के लिए बाबू कहाँ पूरा धरती घूम सकते हैं तब यहाँ पे आ सकते हैं, है कि नहीं है, बाबू समझ में आया बात, समझ में आया, इसलिए बाबू बोले इसको तय करें यहाँ से यहाँ जाना है तो बाबू अनंत तरीके हैं, नहीं बाबू, लेकिन फिजिक्स बाबू क्या कहता है, कहा है तुम इसमें अनंत तरीका नहीं है, शॉर्टकट थोड़ा शॉर्टकट बाबू क्यों होता है, क्यों होता है बोले, क्या सरो पांच को होता है क्या मित्रों बताओ, बाबू बोलेगा फिजिक्स बोलता है कथा कहा के तेरा यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो घूम कह रहा है अमेरिका लंदन स्विट्जरलैंड घूम रहा है, हम बगले में पड़ा है घर में पड़ा है सोना फिर भी रोना, देखो सीधे चल जाओ ना यहाँ पे, तो बाबू देखो शॉर्टकट बाबू एक भी हो सकता है, तो नहीं होते हैं बाबू देखो, इसके सिर्फ इसी लिखा है बाबू, इसके सिर्फ एक तरीके होते हैं, इसको तय करने के सिर्फ एक तरीके, इसको तय करने के सिर्फ एक तरीके होते हैं, समझ में आया कि नहीं बोलो, बोलो मैं तो समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, बोले दे है ना,